एक बेबी सीटर जो पैसों के लिए बच्चों के फादर के साथ सोती है, उसके लिए डिमांड बढ़ने लग गया तो अपना नेटवर्क बढ़ाती है। इसी बिजनेस में कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द बेबी सीटर्स 2007 की हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है शर्ली, ये अपने कुछ क्लाइंट के साथ इंटीमेट होने के लिए एक रिमोट सी जगह पर आई हुई थी। उसके साथ उसकी फ्रेंड्स भी है। वो कहती है, मेरे लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, मेरे अब्यूजिंग पेरेंट्स नहीं थे, मुझे सही से ट्रीट किया गया था। इसका मतलब है ये सब करने का रीजन कुछ अब्यूज नहीं है। अब ये सब वो क्यों करने लग गए, इसके पीछे का रीजन हमें फ्लैशबैक में पता चलेगा। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और शर्ली हमें उसके क्लास में दिखती है। शर्ली की दो फ्रेंड्स है, एक का नाम है मलिसा, दूसरी का नाम है ब्रांडा। एक्चुअल में ब्रांडा का ब्रदर ही शर्ली को लाइक करता है। इनके अब थोड़े दिनों में सैट आने वाली है, इसका मतलब है कॉलेज एडमिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम। इनके टीचर इन्हें कहते हैं, इस पर तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है, इसे सीरियसली लो। इसके बाद शाम में शर्ली को लेने के लिए माइकल आने वाला था। एक्चुअल में माइकल को एक बेटा है। माइकल और उसकी वाइफ कहीं डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे तो उन्हें बेबी सीटर की जरूरत है। एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए शर्ली बेबी सीटर का काम करती है। 2-3 घंटे के लिए वो उनके बेटे पर ध्यान रखेगी। माइकल आने वाला था तो शर्ली बहुत ही अच्छे से रेडी होती है। माइकल ने आने पर उसे हाय कहा तो शर्ली मदर के सामने ही शर्मा गई। मदर को बहुत ही अजीब लगता है, उसे डांटती है और माइकल के साथ भेज देती है। इसके बाद माइकल और उसकी वाइफ ये अपने डिनर के लिए चले गए। इनका डिनर माइकल के एक ओल्ड फ्रेंड के साथ था जो अपना खुद का बिजनेस चलाता है। माइकल को उसके फ्रेंड ने ऑफर दिया, आकर तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। उसका फ्रेंड बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत सारे पैसे उसे देने वाला था। माइकल की वाइफ जिसका नाम है गेल, इसे फ्रेंड अच्छा नहीं लगता, एज अ पर्सन उसे बहुत ही घटिया लगता है। घर पर शर्ली इनके बेटे के साथ थी तो उसके शर्ट पर केचप पड़ जाता है। इसे वॉश करने के लिए वो बेसमेंट में गए। यहाँ पर उसने देखा कि माइकल को एक हॉबी है, वो छोटे छोटे घर वगैरह इस तरीके की चीजें बनाता रहता है। उसने यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स भी बनाए हुए थे। डिनर पर माइकल बहुत ही एक्साइटेड हो गया। डिनर के बाद गेल से वो बात करता कि उसे उसके फ्रेंड के साथ जॉब करना चाहिए। गेल उसे कहती है कि तुम जहाँ पर भी काम कर रहे हो ये सब कुछ सही है, उसे जो सिक्योरिटी यहाँ मिलती है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते चलते ये रेल के ट्रैक्स पर आए। माइकल कहता है, क्या तुम्हें ये ट्रैक्स याद है, यही पर ये फर्स्ट टाइम मिले थे। वो गेल के साथ जाकर इसे विजिट करना चाहता था। गेल अपने बेटे के लिए वरीड थी तो उसे जल्दी घर जाना था। क्लियरली इन हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट है। शर्ली घर पर एक एक चीज साफ करने लग गई थी, उसे कोई भी चीज गलत अच्छी नहीं लगती, वो सारी चीजें साफ कर रही थी। तभी माइकल और वो घर पर पहुंच गए। माइकल उसे अपनी गाड़ी में घर छोड़ देता है। कहता है, क्या तुमने खाना खाया, शर्ली कहती कि नहीं। फिर उसे एक डाइनर पर लेकर आया। माइकल कहता है, मुझे रात में नींद नहीं आती, शर्ली को भी नहीं आती है। शर्ली अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि मुझे चीजें एक पर्टिकुलर मैनर में ही अच्छी लगती है, जैसे कि इस डाइनर का टेबल, यहाँ का सॉल्ट वगैरह सब कुछ ठीक तरीके से रखा होना चाहिए। माइकल इसे अम्यूज था, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। शर्ली उसे उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, कहती है, तुम दोनों फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे। माइकल को अच्छा नहीं लगता, उसे अपने वाइफ के बारे में बात नहीं करना था, पर फिर भी उसे स्टोरी बता देता है। वो कहता है, एक अबैंडन्ड सा रेलवे ट्रैक था, वहीं पर हम फर्स्ट टाइम मिले थे। रात में मैं और मेरा फ्रेंड ये दोनों वहाँ पार्टी करने के लिए गए हुए थे। तभी पूरी तरीके से नशे में गेल वहाँ पर आई। वहीं पर ये दोनों इंटीमेट हो गए थे। माइकल ने उसे देखते ही पहचान लिया था कि लड़की बहुत सारा ट्रबल क्रिएट करेगी, और अब वो उसकी वाइफ है। वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। माइकल शर्ली से पूछता है, तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड होगा, तुम स्मार्ट हो, फनी हो। उसने उसे पूछा, क्या तुम्हें कुछ कूल देखना है। इसके बाद उसे रेलवे ट्रैक्स पर लेकर आता है। ये दोनों मिलकर ओल्ड रेलवे देखते हैं और माइकल ने शर्ली को किस कर लिया। गाड़ी में जब ये आए तो ये रियलाइज करते हैं ये सब गलत है, माइकल की फैमिली है। जाते वक्त उसने शर्ली को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। नेक्स्ट डे पूरे दिन ये एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। रात में शर्ली अपने फ्रेंड्स के साथ एक कैफे में हैंग आउट करने के लिए आई। यही पर वो माइकल को फिर से देखती है। माइकल अपने बच्चों के साथ यहाँ आया हुआ था।
गेल ने शर्ली को देखा, उसके पास आकर बात करती है। कहती है, मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बेबीसिटिंग के लिए एक डे इन्होंने फिक्स किया। इस डे पर डायरेक्टली माइकल और शर्ली ये दोनों इंटीमेट हो गए। इंटीमेट होने के बाद कार में स्प्रिंग का एयर आ रहा था, इन्हें बहुत अच्छा लगा। जाते जाते माइकल शर्ली को $200 दे देता है। कहता है, क्या ये ठीक है? शर्ली उसे बहुत लाइक करती थी और माइकल ने उसे इस तरीके से पैसे दे दिए, उसे अजीब लगता है। वो अपसेट हो गई पर पैसे लेकर चली जाती है। अगले दिन शर्ली का स्कूल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं था। उसकी फ्रेंड उसे पूछती है, क्या बेबी सिटिंग करना इतना इंपॉर्टेंट है? तुम्हें कितने पैसे मिले थे? उसने कहा कि $200। उसकी फ्रेंड कहती है, इतने सारे पैसे तुमने ऐसा किया क्या? शर्ली उसे माइकल के साथ इंटीमेट होना बता देती है। उसकी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा शौक में थी। वो कहती है कि तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? हमारे आगे हमारा पूरा फ्यूचर है, और ये सब करने का रीज़न क्या है? शर्ली कहती है, ये सब सिर्फ एक गलती थी, ये फिर से नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में ये फिर से बेबी सिटिंग के लिए गई और माइकल के साथ इंटीमेट हो रही थी। माइकल कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पे किया, ये तुम्हें शायद गलत लगा होगा। उसे सॉरी कहता है। उसने कहा, तुमने कुछ भी बोला नहीं। शर्ली कहती है, वैसे भी जनरली मैं कुछ भी बोलती नहीं। उसे ये सब करना अच्छा लगने लग गया था। जो भी माइकल आजकल कर रहा था, ये सब चीज़ें उसने अपने फ्रेंड से कही। फ्रेंड को ये बहुत ही गलत लगता है। वो कहता है, क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं? माइकल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, प्लीज़ किसी को भी इस बारे में बताना मत। अब फ्रेंड को ये सब बात पता चल गई तो उसे भी शर्ली की तरह एक बेबी सीटर की ज़रूरत थी। शर्ली ने इस पर सोचा, अपनी फ्रेंड मलिसा को भेज दिया। शर्ली की फ्रेंड और माइकल का फ्रेंड, ये दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। ये सब कर जब मलिसा शर्ली को मिलने के लिए आई, तो शर्ली कहती है, ये सारी चीज़ें मैंने सेटअप की थी, तुम मुझे इसके लिए 20% दे सकती हो। मलिसा को भी ये बात ठीक लगी। इसके बाद ये सब करना इनका स्टार्ट हो गया था। इनके कस्टमर और भी बढ़ने लग गए। एक दिन इन्हें 3 लोगों की ज़रूरत थी। शर्ली और मलिसा ये 2 ही थे, तो उन्हें और एक बेबी सीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये आइडिया मलिसा ने उसे दिया। मलिसा शर्ली को उनकी और एक फ्रेंड जिसका नाम है ब्रांडा, इसे इनमें इन्वॉल्व करने के लिए कहती है। ब्रांडा वैसे तो डिस्टिंक्ट रहती है। मलिसा ने कहा कि वो क्या करेगी क्या नहीं, ये सब उसे फिगर आउट करने दो। पार्टी के बाहर ब्रांडा का ब्रदर, जो शर्ली को लाइक करता है, उसके पास आया। उसे किस करता है और कहता है, ठंड में किस बहुत अच्छी लगती है। और फिर इसके बाद वो चला गया। शर्ली जब घर पर आई तो माइकल उसकी खिड़की में वेट कर रहा था। ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। तभी शर्ली के फादर आ गए। माइकल बेड के नीचे छुप गया। फादर शर्ली से पूछते हैं कि ब्रांडा का ब्रदर तुम्हें छोड़ने के लिए आया था, क्या तुम दोनों में कुछ है? शर्ली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। बेड के नीचे माइकल को शर्ली के पैसे मिल गए। उसे पता चल गया कि वो और भी बिजनेस करती है। उसे इस बात से ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। शर्ली की फ्रेंड ब्रांडा ये फर्स्ट टाइम बेबी सिटिंग के लिए गई। उसे शर्ली ने बताया नहीं था कि उसे इंटीमेट होना पड़ेगा। जिसे वो बेबी सिट कर रही थी, उसके फादर ब्रांडा को जंगल में लेकर आते हैं। किस करने के लिए उसके पास आए। ब्रांडा कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो बहुत ही डर गया। उसे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। वो उसे कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, घर जाकर अपना एक फ़ोटो लेना, हमेशा इसी तरीके से परफेक्ट रहना। अगर तुम चाहो तो हम दोनों सिर्फ बात कर सकते हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ब्रांडा को भी वो पसंद आया। इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। शर्ली के भी आजकल कुछ दूसरे क्लाइंट्स थे, तो माइकल को इग्नोर करती है। शर्ली जब घर पर आई तो उसकी फ्रेंड ब्रांडा उसका वेट कर रही थी। वो कहती है, मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है, कितना टाइम हो गया? शर्ली कहती कि 1 मंथ। ब्रांडा उसे पूछती है कि ये मैं नेक्स्ट टाइम कब कर सकती हूँ? इस काम के लिए अब वो रेडी थी। ये तीनों मिलकर काम करने लग गए। शर्ली के पास डिमांड बढ़ने लग गया था। शर्ली की फ्रेंड मलिसा अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छे कॉलेज में अप्लाई करती है। बिजनेस बढ़ने पर शर्ली ने अपना एक कार्ड भी बना लिया था। एक दिन जब माइकल अपने बॉस के साथ डिनर कर रहा था, तो उसका बॉस कहता है, लास्ट अकाउंट पर तुमने अच्छा सा काम नहीं किया। उसे पूछता है, क्या कुछ चल रहा है? माइकल को उसके मिस्टेक के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि शर्ली की अब कंपनी है, वो सारे बेबी सीटर्स को सप्लाई करती है। नेक्स्ट टाइम जब वो शर्ली से मिलता है, कहता है, किसी ना किसी को तो पता चल जाएगा। शर्ली फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहती। उसे कहता है, तुम ये सब कर क्यों रही हो,
मुझे लगा था ये सिर्फ हमारे बीच में है। शर्ली उस पर गुस्सा होके, क्योंकि उसी की वजह से उसने सब कुछ स्टार्ट किया है, ये बात कर रहे थे तभी शर्ली के फादर वहां से गुजरते हैं। माइकल फिर चला गया। ब्रांडा आजकल जो भी पैसे कमा रही थी उससे बहुत ही खुश थी। उसकी छोटी सिस्टर के पास ज्यादा कुछ भी पैसे नहीं तो उसे भी इस काम के बारे में वो बता देती है। आज अपनी जगह पर उसने अपनी सिस्टर नादिन को भेज दिया। नेक्स्ट डे सारी फ्रेंड्स मिली। शर्ली ब्रांडा से उसका कट मांग रही थी तभी वो कहती है कल मेरी सिस्टर गई थी। शर्ली ने नादिन से बात की। नादिन कहती है सब कुछ काम मैंने किया तो तुम्हें कट क्यों। शर्ली ने कहा कि इसी तरीके से बिजनेस चलता है। नादिन देना नहीं चाहती थी पर फिर भी उसे पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद थोड़े दिनों में एक एक करके शर्ली के क्लाइंट कम होने लग गए। उसने फिगर आउट किया कि नादिन ने और कुछ उसकी फ्रेंड्स को लेकर ये बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बारे में वो ब्रांडा से बात करती है। कहती है उसकी सब चीजें चेक करो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ब्रांडा ने उसे कहा कि मैंने सब कुछ चेक किया मुझे कुछ भी नहीं मिला। ब्रांडा सही से झूठ बोल नहीं पाती वो भी अपनी सिस्टर को सपोर्ट कर रही थी। शर्ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो खुद जाकर इन दोनों का लॉकर चेक करना चाहती थी। रात में स्कूल में आ जाते हैं। उन्होंने माइकल को भी बुला लिया था। उन्होंने स्कूल का लॉकर तोड़ दिया और सब कुछ चीजें चेक किए पर इन्हें कुछ मिला नहीं। इन्होंने अगर एक ही लॉकर को तोड़ा तो सस्पिशियस लगेगा तो सारी स्कूल को तोड़ने लगते हैं। माइकल को बात पहले गलत लगी थी पर सब कुछ तोड़ना फोड़ना वो भी एंजॉय करता है। वो जब रात में वापस आया तो गेल उसके लिए बहुत ही वरीड थी। कहती है तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया इतने टाइम तक कहाँ थे। माइकल कहता है मेरी एक मीटिंग थी। उसे पूछती है क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है। माइकल कहता है कि ऑफकोर्स नॉट। गेल ने कहा नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल करना। शर्ली की सारी तोड़फोड़ करने के बाद नादिन और उसकी फ्रेंड्स डर गई थी। शर्ली उनसे कहती है अगर मेरे बैग के पीछे फिर से कुछ भी चीज की तो बहुत बुरा होगा। शर्ली को धमकी देता हुआ देखकर मलिसा कहती है तुम्हें वैकेशन पर जाना चाहिए। एक्चुअल में अपने सब क्लाइंट्स के साथ वो एक वैकेशन प्लान कर रही थी। शर्ली भी इसके लिए मान जाती है। अब इस वैकेशन पर माइकल और उसके सब फ्रेंड्स आए। ये सब मिलकर पार्टी करते हैं। शर्ली और उसके फ्रेंड्स के साथ इंटीमेट हो रहे थे। माइकल के फ्रेंड ने उससे कुछ ड्रग्स दिए। वो कहता है इन सब लड़कियों में से ब्रांडा सबसे ज्यादा स्पेशल है। वो ये सब करती क्यों है उसे इसके बारे में पता ही नहीं। यहाँ पर शर्ली किसी और के साथ इंटीमेट हो रही थी पर माइकल उसके पास आया तो उसके पास आ जाती है। सारे मिलकर ड्रग्स लेते हैं। इस ड्रग्स की वजह से ब्रांडा को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसी हालत में एक आदमी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ये उसका बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद ये सब काम वो नहीं करना चाहते। शर्ली ने जब उससे बात की तो रोने लग गई। उसे अब ये सब डिस्गस्टिंग लग रहा था। शर्ली भी उसे जाने देती है। ये सब बात मलिसा ने नोटिस की। वो कहती है तुम ब्रांडा को इस तरीके से जाने नहीं दे सकती वो सबको बता देगी। शर्ली कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शर्ली इस बात को ज्यादा सीरियसली लेती नहीं। रात में मलिसा फिर से उसे मिलने के लिए आई। वो कहती है कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है अगर हम जो भी सब करते हैं किसी को भी इसके बारे में पता चला तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। रात में मलिसा ने ब्रांडा के ब्रदर को मारने के लिए भेजा। उसे बहुत मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी सिस्टर को अपना मुंह बंद करने के लिए कहो। ब्रांडा का ब्रदर ब्रांडा को कुछ भी नहीं कहता। उसने फिगर आउट कर लिया था ये सब कुछ शर्ली ने किया है। वो अगले दिन स्कूल में शर्ली को इग्नोर करता है। शर्ली मलिसा से पूछती है कि तुमने ऐसा किया क्यों। मलिसा कहती है मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर डाला है। आजकल माइकल का अपने काम पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं था। उसे एक इम्पोर्टेंट अकाउंट से निकाल दिया जाता है इससे उसकी सैलरी भी कम हो जाती है। ये बात जब उसने गेल से की तो इस पर बहुत ही गुस्सा हो गई थी। माइकल कहता है कि सब कुछ तो ठीक है हमारे पास सब कुछ है तुम्हें और क्या चाहिए। वो गुस्से में यहाँ से चली गई। आज माइकल के बेटे ने टीचर को गाली दी थी। टीचर उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। माइकल उसे समझाने के लिए जाता है। कहता है कभी कभी लोग आपको बहुत ही बैडली ट्रीट करते हैं। उसने फिर रियलाइज किया कि उसका बॉस बहुत ही घटिया है। अच्छा हुआ कि उसका जॉब चला गया अब वो अपने फ्रेंड के पास जाकर उसके साथ बिजनेस करेगा। आज रात वो खुश था तो शर्ली के साथ फिर से ट्रेन ट्रैक पर आता है। उस रात उनकी ट्रिप पर जो भी हुआ इसके लिए सॉरी कहता है। माइकल शर्ली को बहुत ही लाइक करता है। कहता है हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए।
शर्ली कहती कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलो, हम दोनों बहुत ही घटिया लोग हैं, हम दोनों के लिए कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं। माइकल चाहता था कि दोनों हमेशा एक साथ रहे, उसे वो पूरी तरीके से अपने लिए चाहिए। शर्ली ने कहा, तुम्हारे पास फर्स्ट टाइम चांस था पर तुमने मुझे पे कर दिया, अब वो कभी भी माइकल के साथ नहीं रहना चाहती। रात में शर्ली ने ब्रांडा को सॉरी कहने के लिए कॉल किया। उसका ब्रदर एक कॉल उठाता है, वो कहता है कि ब्रांडा जरा बिजी है। तो इसके बाद शर्ली नादिन से बात करना चाहती थी, वो कहता है नादिन बेबी सीट कर रही है। शर्ली इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई, वो नादिन को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, तो उसने मलिसा को कॉल किया। इस वक्त मलिसा अपने क्लाइंट के साथ है, तो उसी की गाड़ी में शर्ली को पिकअप कर ये ब्रांडा की जगह पर आ जाते हैं। उसे गाड़ी से निकाल कर बहुत मारते हैं, एक ब्रिज से उसे उल्टा लटका रहे थे, उसे धमकी दे रहे थे कि यह फिर से कभी होना नहीं चाहिए। नादिन को धमकाते वक्त वो नीचे गिरने वाली थी पर इनके क्लाइंट ने उसे बचा लिया। नादिन आज रात जिस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी वो गाड़ी से बाहर निकला, ये एक्चुअल में शर्ली के फादर थे। शर्ली को यह देखकर बहुत ज़्यादा शॉक लगता है, वो बहुत रोई। उसने आज तक जो भी किया इन सब चीज़ों का उसे पछतावा आया। वो कहती है इन सब बातों के लिए मुझे कोई भी फर्ग्यू नहीं कर सकता, जो भी गलतियाँ उसने की इन गलतियों के साथ ही उसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसके लाइफ की स्टोरी की एक अजीब सी गलती समझकर वो अपनी लाइफ में फिर आगे बढ़ती है। ये सब करना उसने छोड़ दिया। माइकल भी अपनी फैमिली के साथ अब खुश था। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। जब तक शर्ली किसी और के रिलेशनशिप के साथ खेल रही थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जब उसने अपने फादर को देखा तो किसी को वो कितना हर्ट कर सकती है ये उसने रियलाइज किया। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आप अपने आप का ख्याल रखिए।